ये है हमारे छोटू मैकेनिक साहब, ये आज आपको स्कूटी का पंचर लगाना बस सिखाएंगे। दोस्तों ये एक इलेक्ट्रिक स्कूटी है जिसका नट और बोल्ट जो है ना वन बाय वन करके हम खोलेंगे, क्योंकि ये एक बहुत ही ट्रिकी चीज़ है और ये इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी है, ताकि जो है ना इसका एक पंचर लगाने के लिए पूरे का पूरा टायर और रिम बाहर निकालना पड़ता है। दोस्तों अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और जो दोस्त पहली दफ़ा इस चीज़ को देख रहे हैं तो उनके लिए वीडियो मैं स्किप नहीं करूँगा, क्योंकि इसमें हर चीज़ को डिटेल से देख सकेंगे कि पहले कौन सा पार्ट ओपन किया है, सेकंड नंबर पे कौन सा पार्ट ओपन किया, थर्ड नंबर, फोर्थ, फाइव, जिस तरह भी अब सीरीज़ में वीडियो चल रही है आप देखेंगे, ताकि जो है ना अगर आप अपने एरिया में इस तरह की इलेक्ट्रिक स्कूटी को पंचर लगाना चाह रहे हैं और रेयर व्हील है तो आप इस तरह अपने जो है ना गाड़ी के ये स्कूटी का जो है ये व्हील आसानी से ओपन कर सकते हैं। मतलब इस वीडियो का यह है कि आपको इसके बारे में नॉलेज जो नो हो, ताकि विदाउट एनी डैमेज आप जो है ना इलेक्ट्रिक स्कूटी का रेयर ट्यूब प्लस टायर को पंचर लगा सकें, क्योंकि ये न्यू टेक्नोलॉजी है अब हमारे एरियाज़ में आई है, जो कि जिसको आप लोग सेफ एंड साउंड पंचर लगाना चाहते हैं तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पर नज़र आएँगी, ताकि आपने वीडियो को गौर से देखना है और एंड तक देखना है ताकि आपको कंप्लीट प्रोसेस जो है ना समझ आ सके इसका। अबे यार बंदा दूरी में बैठा नहीं देता। दोस्तों सेफ़ एंड साउंड तरीके से हमने ये रिम और टायर बाहर करना है, ताकि जो है ना इसका इलेक्ट्रिक सिस्टम या इलेक्ट्रिक केबल जो है ना वो डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि ये हमारे दोस्त हैं वो काफ़ी एक्सपर्ट हैं, जो पहले भी ये काम करते रहते हैं, दूर दूर इलाके से भी इसके पास ये इलेक्ट्रिक स्कूटियाँ आती हैं पंचर लगवाने के लिए। दोस्तों ये इस मामले में काफ़ी एक्सपर्ट समझे जाते हैं। अब इनका टेस्ट ये होगा कि ये इनको पानी में रख के चेक करेंगे कहाँ कहाँ से लीकेज है, कहाँ कहाँ पर पंचर शो होता है। तो ये अभी दोस्त हमारे पानी लाए हैं, हवा भी इसकी टाइट करनी है क्योंकि हवा निकली हुई थी सारी टायर के अंदर से। अब ये अपने प्रोसीजर के साथ, अच्छा ये है कि आपने मोटर को कभी भी पानी में नहीं डुबोना, क्योंकि पानी में अगर पूरा इसको डुबो देंगे तो आपका जो है ना मोटर के अंदर चांसेस है पानी में जाने के लिए, तो इतना पानी होना चाहिए सिर्फ टायर का एरिया ही डिप हो पानी में। दोस्त हमारे ने एक पंचर तो फाइंड आउट कर लिया है, अब इसको निशानदाही करेंगे कि ये कील का पंचर है, ताकि जो है ना जब टायर उतारेंगे रिम से तो इनको याद रहे कि यहाँ पे पंचर था। अब मुकम्मल टायर चेक करना जो है ना वो ज़रूरी है। एक और पंचर भी निकल आया दोस्तों यहाँ पे, ये भी कोई कील का ही नज़र आ रहा है पंचर। तो दोस्तों थॉरोली इसको चेक करेंगे वन बाय वन, ताकि जो है ना कोई और पंचर ना हो इसमें, ताकि जो है ना ये ट्यूबलेस टायर है तो इसका काम जो है ना अच्छे तरीके से हो सके। टायर की मुकम्मल वेरिफिकेशन की जा रही है ताकि जो है ना कोई चीज़ मिस ना हो जाए इसमें। और इसमें दोस्तों आपने नोट किया होगा सिर्फ टायर ही को पानी के अंदर डिप किया जा रहा है। ये दोस्तों दो ही पंचर थे कंफर्म हो गए हैं। अब इसका प्रोसेस है कि डीमाउंट कैसे किया जाए, क्योंकि बहुत छोटा टायर है, 10 इंच का टायर है, तो इसमें काफ़ी जो है ना आपको एक्सपर्टीज चाहिए होती हैं। आप साइड पर देख रहे हैं इलेक्ट्रिक केबल्स, मोटर इसके अंदर है, इस व्हील हब के अंदर ही इलेक्ट्रिक मोटर सिस्टम, सारा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम इसका यहीं पे आई है, जो घुमाती है इसको आगे फॉरवर्ड चलाती है। दोस्त हमारे जो है ना मैनुअली डीमाउंट कर रहे हैं टायर को, ताकि जो है ना इसको अंदर से पंचर फिक्स किया जा सके। दोस्तों पहले तो रिम से जो है ना टायर को सेपरेट किया जाता है, ताकि जो है ना आसानी से लीवर घुमा के उसको निकाला जा सके। ये देखें जी स्लोली स्लोली बट आसानी से ये काम हो रहा है। ये दोस्तों टायर बाहर आ गया, अब बारी है पंचर की कि पंचर किस जगह पे है और किस चीज़ का है, उस हिसाब से जो है ना ये हमारे कारीगर साहब जो है ना आइडेंटिफाई करते हैं कि इसको कौन सा पंचर लगाना चाहिए, क्योंकि ये स्कूटी रेगुलर इन्हीं के पास आती है। ऑलरेडी भी आप देख सकते हैं कोल्ड पच इन साइड लगा हुआ है, वो सेफ एंड साउंड है। ये जी कील घुसा हुआ है और अंदर भी टेढ़ा हुआ पड़ा है, तो इसको फिक्स करेगा ये कारीगर अब आपके सामने। छोटा
उसको ग्राइंडिंग के प्रोसेस के बाद 42 mm का जिम्सा का जो है ये कोल्ड रिपेयर पैच लगाएंगे ताकि जो है ना इसको पंचर वाली जगह को सील किया जा सके। दोस्तों अब बारी है सेकंड पंचर की रिपेयर करने की, तो ये भी सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे, सेम तरीके से ही इसको लगाएंगे क्योंकि इस टाइम लगाना पड़ रहा है हमको 32 mm, ये क्योंकि ये कील छोटा है, इस कील का साइज़ भी छोटा है जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं, तो इस पे 32 mm का पंचर लगेगा। हमारे कारीगर साहब ने बताया कि ये सेफ एंड साउंड तरीके से चलेगा टायर। दोस्तों अब बारी है टायर को माउंट किया जाए, जो कि 10 इंच का इसका रिम है जिसके अंदर इलेक्ट्रिक मोटर फिट की गई है, तो ये दोस्तों आसानी से ही ये फिट कर देंगे दोस्तों, अब इनको काफ़ी एक्सपीरियंस है। तो दोस्तों अगर आपकी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि हर आने वाली नई वीडियोज़ आपको मिल जाएँ, उसके लिए बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा। दोस्तों पंचर फिक्स होने के बाद ये स्कूटी रेडी है ड्राइव के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर।